जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है फोर्स अकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि हम देख रहे हैं कि 16 अगस्त का लास्ट शिफ्ट का पेपर छूट चुका है, तो आइए जानते हैं आज के पेपर का रिव्यू। मैम, क्या नाम है आपका? क्या स्कोर किया आपने? 69। अच्छा, आज के पेपर के लेवल की हम बात करें तो कैसा था? इजी था, मॉडरेट था, फिर आई था? इजी टू मॉडरेट था। इजी टू मॉडरेट। अगर मैं बात करूं आपकी प्रिपरेशन की, तो कितने महीने की थी आपकी? सर, मेरी कोई प्रिपरेशन नहीं थी इस एग्जाम की, मैंने सडनली ऐसे ही भर दिया। अच्छा, ऐसे ही फॉर्म फिलअप कर दिया था आपने। अच्छा, आज के पेपर की मैं बात करूं तो किस सब्जेक्ट का वेटेज आपको ज्यादा देखने को मिला? मतलब मैथमेटिक्स, रीजनिंग का? रीजनिंग और मैथ्स का ज्यादा था। लगभग कितने क्वेश्चन आपको देखने को मिले? इतना कुछ मतलब क्लियर याद नहीं है, पर ठीक है। मैथमेटिक्स में कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न था? और SICI से भी था जी, परसेंटेज से थे, मतलब इन तीन टॉपिक से क्वेश्चन थोड़े ज्यादा दिए हुए थे। एडवांस मैथ्स का या हम बोले एडवांस मैथ्स से कोई क्वेश्चन नहीं था। रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक थे? रीजनिंग में सीरीज थी, नंबर और नंबर सिस्टम से, डायरेक्शन से थे, ब्लड रिलेशन से भी थे। ओके, मिरर इमेज के भी 5-6 क्वेश्चन थे, डायरेक्शन से भी 6-7 क्वेश्चन थे, ऐसे इसके क्वेश्चन थोड़े ज्यादा थे। अच्छा, जीके जीएस और साइंस की मैं बात करूं तो साइंस से भी 2-4 क्वेश्चन दिए हुए थे। प्रश्न याद रहा आपको? मतलब 1GB 2GB वाले ऐसे क्वेश्चन थे। ओके, अब एग्जैक्ट क्वेश्चन इतना ज्यादा याद नहीं रहता। जीके जीएस में एमपी का क्वेश्चन आपको देखने को मिले? एमपी के नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? नहीं, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था वाइल्ड लाइफ से या नेशनल पार्क से। जीके जीएस में फिर डांस? अच्छा, डांस देखने को मिला? फोक डांस या क्लासिकल वगैरह ऐसा कुछ नहीं था। फिर मतलब नेशनल लेवल या इंटरनेशनल में जो जीके है उसमें किस प्रकार की बायोग्राफी पूछी हुई थी कि बुक किसने लिखी हुई है? अच्छा, एग्जैक्ट बुक का नाम नहीं याद है, बुक से क्वेश्चन थे कि बुक्स किसने लिखी हुई है। अच्छा, बुक्स से संबंधित एस्थेटिक जीके वाला पार्ट आया होगा। अच्छा, इसके बाद जो सेकंड फेज होने वाला है वो है फिजिकल आपका, तो आप फिजिकल के लिए प्रिपरेशन करेंगे? मतलब आपका कैटेगरी क्या है पहले वो बता दीजिए। सर, मेरी जनरल है, मैं यूपी से हूँ। अच्छा, यूपी से हैं आप, तो सेकंड फेज के लिए आप क्या करेंगे अगर आपका सिलेक्शन होता है तो? फिर देखेंगे सर, अगर सिलेक्शन हो जाता है तो तैयारी कर लेंगे इसके लिए। ठीक है मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। क्या शुभ नाम है सर आपका? विनोद कुशवाहा। क्या स्कोर किया आपने? 62। आपकी कैटेगरी क्या है? OBC। अच्छा, आज के पेपर की मैं लेवल की बात करूं, जो थर्ड शिफ्ट का था वो इजी था, मॉडरेट था, फिर आया था? वो बहुत हार्ड आया। हार्ड आया। कितने महीने की प्रिपरेशन थी आपकी? 5 महीने की। 5-6 महीने की। आप लोकल मध्य प्रदेश से ही या फिर? मध्य प्रदेश से। कौन सा जिला है आपका? टीकमगढ़। ओके, अगर मैं बात करूं आज के पेपर की तो किस सब्जेक्ट का वेटेज आपको ज्यादा देखने को मिला? रीजनिंग। रीजनिंग का? और रीजनिंग और मैथ्स का दोनों का मिला के कितना था? दोनों मिला के वो साइंस वगैरह जोड़ के वो उनका 30 नंबर था, वही बकाया 70 नंबर का हो गया। 65-70% इन दोनों का वेटेज था। रीजनिंग में किस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न देखने को मिले? रीजनिंग से, वो दर्पण से। दर्पण। इसके अलावा? इसके अलावा वो सैंडिकम जी। ब्लड रिलेशन? ब्लड रिलेशन भी 2 मिले। सीरीज से थे? हाँ से। और सीटिंग अरेंजमेंट? सीटिंग अरेंजमेंट की भी। अच्छा, मैथमेटिक्स में किस टॉपिक से देखने को मिले? मैथ परसेंटेज। इसके अलावा? लाभानी। एडवांस मैथ से दिखना कोई देखने को मिला क्वेश्चन? एडवांस मैथ को हाँ 2-3 मिले। चलो ठीक है, अगर मैं बात करूँ आज के पेपर की तो जो थर्ड शिफ्ट का था इसमें जीके जीएस में जो पोर्शन था उसमें किस प्रकार से प्रश्न आपको देखने को मिले? इसमें भाई जो आते हैं वो जैसे कि जीके जीएस और साइंस में से भी आए 2-4 प्रश्न। जीके जीएस के कोई प्रश्न याद रहे आपको? नहीं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो सेकंड फेज है वो अब होने वाला है फिजिकल, तो उसके लिए आप क्या करने वाले हैं? 62 नंबर आए। 62 नंबर। कैटेगरी ओबीसी है? ओबीसी है। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, आपकी लैब का हाईएस्ट स्कोर? तो हमें देखने को मिला 75 का हो गया दोस्त। क्या नाम है सर आपका? क्या स्कोर रहा आपका? 76। अच्छा, आपकी लैब का हाईएस्ट स्कोर क्या रहा? लैब का एक लड़की का था 80 और किसी का नहीं था। अच्छा, पेपर का लेवल कैसा था? पेपर जी टू मोड पे। अच्छा, अपनी आपकी कितने महीने की तैयारी थी? मैंने सिर्फ 1 महीने तैयारी की थी, मैं पेपर देके आया था वो उधर CRPF का। अभी 1 महीने पहले पेपर है, हम यूपी से हैं, यूपी मैनपुरी। अच्छा, यूपी वाले बच्चे अच्छा नंबर स्कोर कर रहे हैं, ये चीज़ हमें देखने को मिल रही है। मैम, आपका क्या नाम है? प्राची पाटिल। क्या स्कोर किया आपने? 60। आपकी कितने महीने की प्रिपरेशन थी? एक भी दिन के लिए। अच्छा, पेपर देख के आपको कैसा लगा? अगर प्रिपरेशन करते तो कितना स्कोर आप कर सकते? 80+ कर सकते हैं। तो अब आगे करेंगे आप प्रिपरेशन नेक्स्ट टाइम के लिए? सर, मैं MPPSC की प्रिपरेशन। अच्छा, MPPSC की कर रहे हैं। ठीक है मैम, थैंक यू। Okay. अच्छा सर, अगर मैं बात करूँ उसके बाद जो सेकंड फेज होने वाला है वो फिजिकल, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? फिजिकल अब मुझे नहीं पता इतने में होगा या नहीं होगा, विश्वास नहीं हो रहा है। 78 कितना है आपका? 76। जनरल में अगर हो जाएगा तो फिर चलो ठीक है, अगर आपका हो जाता है तो
बहुत अच्छी बात है। मैं फिजिकल के लिए बता देता हूँ, फोर्स अकेडमी पे नए बैच स्टार्ट हो गए हैं। अगर आपको भी फिजिकल के लिए प्रिपरेशन करना है तो ज्वाइन कर सकते हैं नया बैच, नंबर है 9826049151। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।